अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आपने हेडिंग तो देखी होगी। आज मैं बना रही हूँ डब्बा गोश्त। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि मैं बचपन में हमारे घर पे बहुत आया करता था, और हम बाहर जो रेस्टोरेंट थी उनके यहाँ जाके इतना खाए है ना। सो मैं उसको रेप्लीकेट करना चाहती हूँ। मतलब उन्होंने मुझे कोई रेसिपी दी नहीं है, पहली बात तो ये है, ना ही ये उनकी रेसिपी है। ये जो मैंने इतने साल खाया है, 20-25 साल उनके यहाँ जो खाया है, मैं बस उस बेसिस से आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो ये मैं मेरा वर्जन बता रही हूँ, कि शायद ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए होंगे। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं, और फिर से मैं एक बार कह दूं, ये ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन हाँ, किसी ने मुझे दी नहीं है, ये उनकी रेसिपी नहीं है, ये मैं मेरे हिसाब से क्रिएट कर रही हूँ उनकी रेसिपी। ठीक है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल डब्बा गोश्त बनाते हैं आज। तो डब्बा गोश्त के लिए यहाँ पर मैंने ना आधा किलो मटन लिया है, ये बोनलेस है, और इसके मैंने है ना छोटे छोटे पीस किए हैं। आप अगर आपके जो काटते हैं उन्हीं को कहेंगे ना, वो बोटी, जो क्या बोलते हैं, चना बोटी, अगर वो चना बोटी बोलेंगे तो वो आपको ऐसे पीस करके दे देंगे। वैसे मेरे वाले ने तो करके नहीं दिए थे, मैंने अभी घर में किए, तो आप मेरी तरह घर में कर लें अगर आपके पास बड़े बड़े पीस आ गए हो तो, लेकिन बोनलेस लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये है काजू, तकरीबन 30 काजू हैं, छोटे थे आप देख सकते हैं, बहुत बड़े हो तो आप 15-20 लीजिए, मैंने 30 लिए हैं, बड़े हो तो समझिए ना 15 लीजिए, 15-17 लीजिए। अच्छा, ये तकरीबन समझिए ना 35 ग्राम तक होंगे अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको ग्राम में इसका वजन का हिसाब चाहिए तो, और पीसेस में चाहिए तो, मैंने आपको कहा 30 पीस है, आप बड़े हो तो कम लीजिएगा। अच्छा, ये है पॉपी सीड्स, जिसे हम खसखस कहते हैं। यूजुअली काफी लोगों को खसखस मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आराम से मिल जाता है, बट शायद उनकी एरिया में मिलता नहीं होगा, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ इसी के ही साथ बना लीजिएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो खसखस है ना, इसको मैं 2 छोटे चाय के चम्मच इसमें डाल रही हूँ काजू के अंदर। ये 1/4 कप दूध डाल रही हूं मैं इसके अंदर, और आप चाहें तो 1/4 कप पानी भी डाल सकते हैं। तो ये यहां इसे मिक्स कर लीजिए। अब यहां इसका मतलब मकसद ये है भिगाने का, आप नहीं भिगाना चाहते कोई बात नहीं, यहां मैं इसके लिए भिगा रही हूं 10-15 मिनट पहले, क्योंकि ये क्या है ना, खसखस जल्दी पीसा नहीं जाती। अगर आपका छोटा जार बहुत ज्यादा अच्छा पीसाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी का नहीं होता है, बहुत अच्छा ग्रिन नहीं होता है, तो इसके लिए अगर आप पानी या दूध में डाल के रखते हो ना, तो ये जो काजू और खसखस दोनों एकदम क्विकली फटाफट ब्लेंड हो जाएंगे, बस उसी का मकसद है हमारा, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप काजू और खसखस को डाल दें, और पानी या दूध डाल के 1/4 कप डाल के पीस लें। मैं अभी इसे 15 मिनट के लिए साइड पे रख देती हूँ। चलिए क्विकली, अब मैं तो कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो पतीली में बना सकते हैं। कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून जितना असली घी डालिए, और 2 टेबलस्पून जितना तेल डालिए। आप चाहे तो पूरी तरीके से तेल ले सकते हैं, या पूरी तरीके से असली घी ले सकते हैं, मैं दोनों डाल रही हूँ। इसके अंदर 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, और ये जीरे को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाता है, तो 2 मीडियम साइज की प्याज को छुंदा करके इसमें डाल दीजिए, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये कच्ची पक्की नहीं हो जाती, तब तक ज्यादा फ्राई मत कीजिएगा। जब कच्ची पक्की हो जाए तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, मिक्स कीजिए, और इसे भी फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए, तब तक। 2 टमाटरों की छील निकालकर बारीक बारीक काट लिया, और इसे साइड पर रखा है मैंने। जब अदरक लहसुन भून जाता है, टमाटर डाल दीजिए, मिक्स कीजिए, फास्ट आंच पर इसे अच्छे से 1-2 मिनट तक फ्राई करें। आप चाहे तो चूल्हा मीडियम भी कर सकते हैं। जब 1-2 मिनट हो जाते हैं, तो ये जो हमने साइड पर मटन बोनलेस को चना बोटी करके रखी, ये सारा बिस्मिल्लाह हमारे रिंग बोल कर डाल दीजिए। नमक भी डाल दीजिए इसमें स्वाद अनुसार, मिक्स कीजिए, और इसे मैं फास्ट आंच पर रख रही हूँ, आप चाहे तो मीडियम पर भी रख सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और तकरीबन 6-8 मिनट तक फास्ट आंच पर पकने दें। जब तक पकाएं जब तक ये जो टमाटर है ना, ये नम नहीं हो जाते। अच्छा, मैं एक चीज डालना भूल गई थी, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए इसके अंदर उसी समय, मैं अभी डाल देती हूँ, और वो भी डालकर मिक्स कीजिए, और 6-8 मिनट तक इन्हें पकने दीजिए।
जब 6 से 8 मिनट हो जाते हैं और आप देख रहे हैं टमाटर कितने अच्छे नम हो चुके हैं और ऑलमोस्ट घुल चुके हैं, तो अब मैं यहाँ 3/4 कप जितना पानी डाल देती हूँ, ढक्कन ढक देती हूँ इसका कुकर का, फास्ट आंच पर 1 से 2 सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर 1-2 सीटी हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और तकरीबन 12 से 15 मिनट स्लो आंच पर पकने दीजिए। ये 150 ग्राम दही है, दही को बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। मैंने फेंट लिया है। अच्छा, ये अब ये जो हमने साइड पर रखा था 10-15 मिनट पहले काजू और खसखस को इसे पीस लेते हैं। मैं यहाँ ना 4-5 हरी मिर्चियां डाल के पीस रही हूँ। अब मिर्चियां आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम या ज्यादा, वो आपको पता है आपकी फैमिली कितना स्पाइसी खाती है, मैं इतना डालती हूँ। अच्छा, फर्ज करो अगर आपसे मिर्च ज्यादा हो जाती है और एंड में आपको थोड़ा स्पाइसी लगता है, तो जब हम मलाई डालेंगे ना, तो मैं जो हिसाब से मलाई डाल रही हूँ उससे थोड़ा ज्यादा डाल देना, तो आपकी स्पाइस कट जाएगी, है ना। अच्छा टिप, तो चलिए अब मैं इसे फटाफट पीस लेती हूँ। पीसने के टाइम पे अगर जरूरत लगे तो 1/4 कप जितना और ज्यादा आप दूध डाल दीजिए और बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर होए तक इसे पीस लीजिए। जब पीस लें तो इसे साइड पर रख दीजिए। कुकर को स्लो पे 15 मिनट हो चुके हैं, मैं बंद कर देती हूँ और अच्छा इसका प्रेशर निकल जाता है। उसके बाद इसे खोल कर मटन चेक कर लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं चूल्हा कर देती हूँ फिर से चालू और फास्ट आंच रख रही हूँ। आप चाहें तो मीडियम भी रख सकते हैं। और ये जो आपको पानी दिख रहा है ये हमें सुखाना है। अब इसमें जो प्याज आप देख सकते हैं हल्की हल्की दिख रही होगी और ये जो टमाटर हल्के हल्के दिख रहे होंगे, ये सारे भून जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक फास्ट आंच पर इसी तरीके से चलाते रहिए। जब 4-5 मिनट हो जाती है तो 150 ग्राम आप ये जो दही फेंट के रखे थे वो भी डाल दीजिए सारी, और इसे भी मिक्स कीजिए और इसे भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फास्ट आंच या मीडियम आंच पर पकाएं। मैं तकरीबन फास्ट आंच पर पका रही हूँ। जब 4-5 मिनट हो जाते हैं चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ये जो हमने पेस्ट बनाकर साइड पर रखा है काजू खसखस और हरी मिर्ची का, ये सारा डाल दीजिए। अच्छा, खसखस नहीं हो तो उसका सब्स्टिट्यूट भी है, हाँ आप सफ़ेद तिल डाल सकते हो उसके बजाय, और चाहे तो टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा पेस्ट हमने डाल दिया। उसके बाद ये जो मिक्सर जार है ना उसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून जितना पानी डालिए, चलाकर ये ग्रेवी में डाल दीजिए, सो दैट जो भी सारा चिपका हुआ होगा ना मिक्सर जार के अंदर वो सारा हमें मिल जाएगा और हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। और ढक कर स्लो आँच पर 3-4 मिनट पकने दीजिए। मैं ये जो कुकर का ही ढक्कन लगा रही हूँ लेकिन गैसकेट निकाल के लगा रही हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने जो स्टार्ट में 5 मिनट भूना था दही डालने से पहले, उसी समय प्याज भी पूरी तरीके से घुल चुकी थी और टमाटर भी पूरी तरीके से घुल चुके थे और एक रस बन चुका था। चलिए अब तकरीबन 3-4 मिनट हो चुकी है, मैं खोल लेती हूँ। ये देखिए अब डाल दीजिए 1/2 कप मलाई। वैसे मैं 1/2 कप नहीं डाल रही, मैं 1/3 कप डाल रही हूँ, आप चाहे तो आधा भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाजार की ली है, आप चाहे तो घर की जो हमारी दूध के ऊपर मलाई जमती है वो लें और उसे बहुत अच्छे से पीस लें मिक्सर जार के अंदर और फिर डाल दें। नमक चख लीजिए, अगर कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिए, स्पाइस कम लगे तो मिर्चों का पेस्ट डाल दीजिएगा और इसे अभी ढक कर स्लो आँच पर 1 से 2 मिनट के लिए सिमर होने रख दीजिए। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए इसका बंद। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ ये सारा क्या है। ये है टमाटर, इनको मैंने गोल गोल पहिए की तरह काट के रखा है। ये है 1.5 अंडे बॉईल करे हुए हैं, इसको मैंने इसे भी इसी तरीके से गोल गोल पहिए की तरह काट के रखा है। ये कोथमीर है, आप देख सकते हैं, और ये जो है ना खुरच के मैंने 1/2 अंडे को इस तरीके से रखा है। अच्छा, ये है ना, अब आपको तो पता होगा ये क्या देख सकते हैं आप। अच्छा, ये मैंने क्यों लिया है पता है कि जब मैं उस टाइम का मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पे जब हम लोग बनाते भी थे या खाते भी थे ना रेस्टोरेंट में, तो उसमें वो सल्ली वेफर्स डाल के देते थे। आप समझ पा रहे होंगे, सल्ली लंबी लंबी पतले पतले वेफर्स, टेस्ट यही तकरीबन रहता है। तो मेरे पास वो नहीं है और मैंने काफी ढूंढा मिला नहीं, तो मैंने ये ले लिया उसका सब्स्टिट्यूट। आप चाहे तो टोटली स्किप कर सकते हैं, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चीजों की याद दिला देगा, तो मैं इसके लिए ये डालती हूँ। अच्छा, वैसे बता दूं कि ये नॉर्मल जो प्लेन सॉल्टेड वेफर्स आते हैं ना लेस वगैरह के, ये वो है एकदम प्लेन आते हैं जो बच्चे लोग खाते हैं, बच्चे बस ये वही है। और इसका और उसका टेस्ट लगभग सेम ही होता है, बस उसका शेप आप सल्ली टाइप होता है आपको पता होगा, तो मैं उसके बजाय इसे डाल रही हूँ, ये भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो टोटली स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 अंडा फोड़ रही हूँ और एक प्याले में डाल दीजिए।
एक बाउल के अंदर एक अंडा डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए चुटकी भर, और थोड़ा सा कोथमीर डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पर रखिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है क्योंकि मैंने बॉईल करे हुए दो ढाई अंडे लिए, जैसे आपने देखा है, और ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप बॉईल करे हुए अंडे ऊपर प्रेजेंटेशन में नहीं डाल रहे हैं तो इस समय आप एक अंडे के बजाय दो से तीन अंडों को फेंट कर साइड पर रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं ये वाले अंडा इसके लिए बॉईल वाला डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बराबर याद है कि उसमें हम खाते थे और अंडे इस तरीके से ऊपर सजा के देते थे, अंडे और ये टमाटर। लेकिन अब अगर आपको अंडे ये वाले बॉईल करे हुए नहीं डालने, पूरे टोटली आपकी मर्जी, आप सिर्फ ये डाल दीजिए टमाटरों को पहिए की तरफ काट कर। बट मैं तो उसी तरह बना रही हूँ जैसे मैं बरसों से खा रही थी। आप चाहे तो ये भी ना डालें, कोई बात नहीं, खुरज के अंडा ना रखें और ना डालें ऊपर से, बस टोटली आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। चलिए अब हम फटाफट इसको, ये अवन टाइप जो डिश होती है, अब मैंने तो ऐसी ली है, अगर आप नॉर्मल बना रहे हो तो कोई भी डिश ले सकते हो। अच्छा, अगर आप अवन में बनाना चाहते हो तो आप इसमें सारा ये जो ग्रेवी के साथ जो हमारा डब्बा गोश है इसमें डाल दीजिए, ये जो अंडा फेटा हुआ है वो पूरा ऊपर डालकर प्री हीटेड अवन के अंदर आप 8-10 मिनट के लिए 200 या 180 डिग्रीज पे उसे बेक करने रख सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी, आप बेक करें या फिर मैं जैसा प्रोसीजर करने वाले हूँ उस तरीके से कीजिए, है ना, काफी आसान। अच्छा, यहाँ पर मैं 4-5 टेबलस्पून जितने असली घी डाल रही हूँ, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, अब इसे मैं स्लो पर इस पे रहने देती हूँ सो दैट ये हल्का हल्का गर्म होते जाएगा, तब तक हम यहाँ असेंबल करते हैं। अगर असेंबल जल्दी हो गया तो उसका मैं आज और फास्ट कर दूंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इस ग्रेवी, और ग्रेवी थिकी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हैं ग्रेवी को, जब पूरी ग्रेवी डाल दें तो अच्छे से फैला दीजिएगा ये जो बाउल के अंदर, और उसके ऊपर से कोथमीर डाल दीजिए खूब सारी। अब यहाँ पर मैं एक रख रही हूँ अंडे, अंडा बॉईल करा हुआ, और एक टमाटर रख रही हूँ, फिर से एक अंडा रख रही हूँ। इसी तरीके से पूरी एक लाइन बना दीजिए, ये देखिए, और फिर ऑल्टरनेटिव करके इस तरीके से डालते जाइए। अब मैं दो अंडे के बीच में एक आपने देखा टमाटर है, और दो टमाटर के बीच में एक अंडा है, इसी तरीके से ऑल्टरनेटिवली पूरा ये जो हमारी डिश है उसे भर दीजिए। असली घी का जो चूल्हा है ना, मीडियम आंच कर दीजिए और इसे कड़कड़ाता गर्म होने दीजिए, अच्छा धुआं आने लगे। जब धुआं आने लगे ना तो ये जो हमने अंडा फेंट कर साइड पर रखा है चारों ओर फैला कर डाल दीजिए, एक बाजू मत डालिएगा, चारों ओर डाल दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये जो हम गर्म किए हैं घी, असली घी को फास्ट आंच कर दीजिए और रहने दीजिए चूल्हे पे उसको, और जहां जहां आपने अंडा डाला है चारों ओर वहां वहां चम्मच की मदद से ये असली घी डालते जाए, सो दैट ये जो अंडा जहां हमने डाला है वो सारा पकते जाएगा, कच्चा वाला अंडा। तो ये ऐसी चर्र करके आवाज आनी चाहिए, हाँ, तो इसका मतलब आपका अंडा पक रहा है। ये चारों ओर अच्छे से डाल दें, मैंने तो कम ही अंडा डाला है आपने देखा है, तब भी चारों ओर डालने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा घी ज्यादा लगे तो निकाल लीजिएगा बेशक, और आप चाहे तो रहने दीजिएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से मेरा अंडा पक चुका है, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा खुरचा हुआ अंडा फिर से और डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। आप चाहें इसके ऊपर एंड में सल्ली वेफर डाल दें, सल्ली वेफर बहुत ही अच्छे टेस्ट में लगते हैं, जब रुमाली रोटी के साथ एक बाइट में जब हम खाते हैं और सल्ली वेफर्स बीच में आते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी आलू वाले, बड़े मज़ेदार लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो मेरी तरह जुगाड़ कर लें, ये जो हमारे लेज आते हैं, चिप्स आते हैं सॉल्टेड वाले, उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया हाथों की मदद से, और ये डालकर इसे इसके साथ सर्व करती हूँ। यूजुअली जब भी मैं खाने जाती थी तो इसे हम रुमाली रोटी के साथ ही खाया करते थे, और घर पर भी जब मंगाते थे तो रुमाली रोटी के साथ ही इसका मज़ा आता था। लेकिन आज मेरे पास तो मैंने रुमाली नहीं बनाया है, मैंने नॉर्मल सादी हमारे फुलके बनाए उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, रुमाली रोटी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है, आप चाहें तो रुमाली के साथ सर्व करें।
बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करके, मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी फैमिली में भी ये मेरे लिंक्स फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।